सो हम आ गए हैं जिनका हमने इंटरव्यू करना है और उनका दरवाजा पीला है फॉर सम रीजन। जी सलाम अलैकुम। जी हानिया सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? कौन? मैं हसन चौधरी। मुझे सब प्लान था, ऐसा ही होता है। देखा कैसे बुद्धू बनाया यार, यूट्यूब पे ऐसे ब्लॉगिंग होती है भाई। कैसी है हानिया जी आप? हानिया जी वो जल रही है फ्लैश, इससे कोई फर्क पड़ता है? बिकॉज यूर आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप व्लॉगर्स में आपका नाम। बिकॉज देन इट विल बी टू मच लाइट। नो जो दिल का जो दिल आपका हानिया है वो ही काफी है। स्प्रेड काइंडनेस ग्रेट टॉक। हानिया सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। यस ऐसे ऐसे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो हिट होते हैं, उनपे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, फिर उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और फिर इज्जत मिलती है। यस दिस ट्रू। हानिया जी जी आप पहली बार आज समथिंग हॉट पे हमें इंटरव्यू देंगे? नहीं आप पहली बार मेरे घर आए हैं। मैं पहली बार आपके घर आया हूँ लेकिन आप इंटरव्यू भी पहली बार हमें समथिंग हॉट पे। आप उन सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता था कि हमारा और आपका फड्डा है? आप ऐसी हैं नहीं कि अगर मैंने कुछ किया हो तो आप दिल में रख के बैठे। आपको क्या लगता है? नहीं लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता तो आपने उसका इजहार तो जरूर किया होता। नहीं किया, कोई हमारा पड़ा नहीं है। we're friends. We're very good friends. और अभी क्योंकि हम इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं तो वो आपको आती है वो ट्रांजिशन कैसे करते हैं? आपकी तो बड़ी जबरदस्त एडिटिंग होती है व्लॉग्स की। हाथ रखते देंगे लेकिन फिर शुरू भी ऐसे, कुछ ऐसे नहीं कुछ आप नया, ये तो बहुत आम है, ये तो हर कोई कर लेता है। कुछ नया बनाया ना? फोन गिराए फ्लैश में ऑन हो गया फिर से। ओ इंटरव्यू खत्म। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके, लेकिन मुझे बताएं कि आप में क्या बदलाव आया है अब, क्योंकि अब जब हमने एक लंबी कॉन्वर्सेशन कर लिया, इंटरव्यू कर लिया है और मैं सबको बताना चाहूंगा कि हमने करीब आपको शरारत करी। आपके यू डिम्पल्स गिव इट अवे हानिया। मैं कुछ नहीं कर रही। कुछ बताए बताए बताए। मैं इसको एडिट मैंने खुद ही करना है, सो आप जो भी कह रही है मैं कर दूंगी आपके लिए। आप एडिट करेंगे? हाँ मैं कर दूंगा। आपकी तो बता, कैसा रहा आपका इंटरव्यू करने का एक्सपीरियंस? मैं लोगों को ये बताना चाह रहा था कि हानिया के साथ क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद एक हमारी हमें मौका मिला बात करने का, तो ये वाला इंटरव्यू थोड़ा लंबा है, करीबन डेढ़ घंटे का है। ये लंबा है ये छोटा है? डेढ़ घंटे की हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है। बड़ा मजा आया हानिया से मिलके। और एक जो अक्सर आप सेलिब्रिटीज के बारे में बातें सुनते ना इधर उधर से कानों से, इधर ये कह रहे ऐसी ये बिल्कुल नहीं है, कसम से। ये देखिए ये ऐसे होता है। अच्छा तो मेरा माशाल्लाह जो मुंह है उसके हिसाब से तो ये काफी शीशे में नजर आ गया। नहीं तो मेरा तो काफी, लेकिन मैं आपको नॉर्मल पे आता जी। अच्छा हानिया आप कुछ कहना चाहेंगे इंटरव्यू के बारे में? मैं कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारी बातें किया और आई होप कि हसन जी बुरी बातें अगर कोई हुई कॉन्ट्रोवर्शियल तो वो निकाल दें, नहीं निकाली तो कयामत का दिन भी है, कोई मसला नहीं है। ये आप हैं या हाला है? ये 1% और बाय। But honestly, Hania, thank you very much for your time. It was an absolute pleasure chatting with you. बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इस तरह हमेशा मुस्कुराहटें भी बिखेरती रहें और अपनी परफॉर्मेंसेज से लोगों को इम्प्रेस भी करती रहें। अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियां दे, ढेरों खुशियां दे। थैंक यू वेरी मच। हानिया के साथ जो हमारा इंटरव्यू है बहुत जल्द आप या तो ऑलरेडी देख चुके होंगे या बहुत जल्द देखने वाले होंगे। और उन्होंने अपने सर पे इस तरह हाथ रखा हुआ है, वो ये सोच रही है कि इस बंदे को बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं आती, इसको छोड़ देनी चाहिए। आप ये सोच रही हैं? नहीं मैं इंटरव्यू परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप संभाल लेंगे। मैं संभालूंगा, मेरे से ज्यादा ये सब लोग संभाल लेंगे। श्योर।
ये बड़े चीते चीते हैं हाँ, और ये आप, ये मैं इनको कह रहा हूँ उसको नहीं इसने क्या संभालना बेचारे ने, इसके हाथ में क्या है वो हम संभाल, ऑडियंस लव यू, थैंक यू हानिया। अब वो करें वो खुदा हाफिज कैसे करते हैं, बाय नहीं वो कुछ बाय बाय करने के लिए कुछ होता है, कुछ नहीं कुछ होता नहीं है क्या, चुटकी बजा दें चलो चुटकी अगर मुझे वर्ल्ड की फास्टेस्ट चुटकी बजाने का अवार्ड किसी को देना होता तो वो मैं डेफिनेटली हानिया को देता। हानिया का इंटरव्यू समथिंग हॉट पर आ चुका है और उस इंटरव्यू के ऊपर आपका फीडबैक हमें मौसूल हो रहा है, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया फॉर सेंडिंग सो मच लव हानियाज वे ऑन हर बिहाफ एंड फॉर सेंडिंग सो मच लव माय वे एज वेल। मुझे बहुत सारे हमारे इंडियन व्यूवर्स के मैसेजेस आए कल और उन्होंने मुझे बताया कि हानिया इस इंटरव्यू के बाद कल इंडिया में ट्रेंड कर रही थी, kind of speechless right now, honestly means so much, thank you once again, thank you very much। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे इंटरव्यूइंग स्किल्स की बहुत तारीफ की, बट सच तो ये एज आई ऑलवेज लाइक टू से एन इंटरव्यूअर और अ होस्ट और द इंटरव्यू इज एज गुड एज द गेस्ट, सो द क्रेडिट सर्टनली गोज टू हानिया फॉर चूजिंग टू शेयर सो मेनी इनसाइट्स इन टू हर पर्सनल लाइफ विद मी एंड ट्रस्टिंग मी विद ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने फॉर सम रीजन ये इंटरव्यू नहीं देखा तो आप समथिंग हॉट के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम एवर हानिया ने इस तरह से खुल के अपनी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की है, जिसको जिन लोगों ने देखा बहुत अप्रिशिएट भी किया। सो आई होप कि जब आप में से जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो जब आप देखेंगे तो आप भी उसको बहुत इंजॉय करेंगे और आपको भी मज़ा आएगा। आज 14 अगस्त है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। इट्स पाकिस्तान्स 75th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये मुल्क हमारा घर है, यहाँ पर हम सब ने जैसे तैसे करके इकट्ठे हो के एक साथ ही रहना है और सबसे पहले हमें अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब ये मुल्क बेहतर होगा, जब ये मुल्क तरक्की करेगा तो ही हम सब भी तरक्की कर पाएंगे। प्लीज़ अपने गिर्दोनवा के लोगों का, अपने गिर्दोनवा में जो भी मामलात हैं उनका बहुत दिल से ख्याल कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क को अगर कोई बेहतर बना सकता है और तरक्की की तरफ ले जा सकता है तो वो हम सभी हैं। और बाकी सारी जो हमारी हकूमती इदारे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं तो उनसे अपनी हिम्मत हार चुका हूँ, बट आज का दिन खुशी का दिन है, सो खुशी के नोट के ऊपर, पाकिस्तान की तरक्की के नोट के ऊपर, पाकिस्तान की खुशहाली के नोट के ऊपर आपसे इजाज़त चाहूँगा।